नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ साथ देश में कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिनकी मीडिया कवरेज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनमें से एक मुद्दा है फार्मर्स बिल का। हाल ही में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े दो बिल पास किए हैं जिनका देश के कुछ हिस्सों में विरोध हो रहा है। वहीं सुशांत के केस में जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन निकलकर सामने आया है उसे लेकर NCB ने दीपिका सारा, श्रद्धा और रकुल से पूछताछ की है। पर इस बीच इस ड्रग कनेक्शन को कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि फार्मर्स बिल से जोड़ा गया दीपिका पादुकोण के जरिए। मतलब ये कि कुछ देर से सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में दीपिका काले रंग की टी शर्ट पहने हुए दिख रही है। टी शर्ट पर लिखा हुआ है आई स्टैंड विद इंडियन फार्मर्स। दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने इसी किसान आंदोलन के समर्थन में ये टी शर्ट पहनी है। कई यूजर्स का तो दावा यहां तक है कि दीपिका ने ड्रग मामले में चल रही पूछताछ के लिए जाते समय भी यही टी शर्ट पहनी थी। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किए गए हैं जो कई जगह शेयर किए जा रहे हैं। पर इस तस्वीर के साथ जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सच है? पहले तो उस दावे की ओर नजर डाल लेते हैं जिसमें कहा गया कि दीपिका ने ड्रग मामले में चल रही पूछताछ के लिए जाते समय यही टी शर्ट पहनी थी। पर जिस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दीपिका की ड्रग मामले में चल रही पूछताछ के लिए जाते समय निकल कर आई उसमें वो पूरे इंडियन अटायर में दिख रही है, तो यहां ये दावा तो फेल हो गया। अब जो बात रही कि यहां नहीं तो कहीं और दीपिका ने ये टी शर्ट पहनी होगी उस पर नजर डाल लेते हैं। जब हमने वायरल हो रही फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर हमें 20 मार्च 2018 की एक फोटो स्टोरी मिली। इसमें दीपिका पादुकोण के अलावा प्रियंका चोपड़ा, फरहान खान, रणवीर सिंह समेत कई सेलिब्रिटीज की फोटो थी। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 2 साल पुरानी इस स्टोरी में दीपिका की वो फोटो भी है जो इस समय वायरल हो रही है। हालांकि इस फोटो में दीपिका की टी शर्ट पर कुछ भी नहीं लिखा है। कैप्शन से पता चलता है कि ये दीपिका के मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते समय का फोटो है। वायरल हो रही फोटो का 2 साल पुरानी फोटो से मैच करने पर स्पष्ट हो रहा है कि दोनों एक ही हैं। पुरानी फोटो को एडिट कर उस पर आई स्टैंड विद इंडियन फार्मर्स लिखा गया। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल DHFF अड्डा को। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।